हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग के बारे में। यह जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, एक हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो ये ड्राइंग भेजे हैं ये देखने के लिए कि इसमें ये सब रोलिंग वगैरह कैसे देखते हैं, इसका डिग्री कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इधर इसका नॉर्थ दिया गया है, तो इधर ये साउथ हो गया है कॉर्नर पे, और ये कॉर्नर पे वेस्ट हो गया, और ये कॉर्नर पे ईस्ट हो गया। तो बाकी का इसमें भी हम इसका ये सब का डायरेक्शन देख लेते हैं कि कैसे कैसे दे रहा है उसको। यहाँ पे देख सकते हैं ये 24 इंच का लाइन है, 24 NPD लिखा है, नेमिनल पाइप डाया 24 इंच। यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये ज्वाइंट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये जो लाइन है, जिस लाइन में ये कनेक्शन होगा उस लाइन का यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ का जो ज्वाइंट नंबर है उस आगे वाला कंटिन्यूशन ड्राइंग में देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्बो लगा करके यहाँ से ये लाइन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और नॉर्थ से जा करके यहाँ से ये लाइन ईस्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है रेडीमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं दो ज्वाइंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे एल्बो हो गया, और यहाँ से ये लाइन ईस्ट की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ पे एक एल्बो लगा करके यहाँ से ये लाइन नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ आने के बाद यहाँ पर, अब यहाँ पे देखेंगे ये रोलिंग का कैसे डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डायरेक्शन दे रहा है नॉर्थ, और नॉर्थ से फिर ये ईस्ट की तरफ रोल हो रहा है, और ईस्ट से रोल होने के बाद फिर ये अप की तरफ रोलिंग दिखा रहा है। ये एल्बो जो है, एल्बो के बाद एल्बो के सेंटर से ये जो रोलिंग दिखा रहा है, पहला डायरेक्शन दिखा रहा है नॉर्थ, और नॉर्थ से फिर ये दिखा रहा है ईस्ट की तरफ रोलिंग हुआ, और ईस्ट से फिर ये अप की तरफ रोलिंग हुआ। यहां से जो ऊपर में देख रहे हैं, यहां पे एक हेडर आ रहा है, जिस लाइन में एक कनेक्शन हो रहा है अप से डाउन की तरफ आ रहा है, और इसमें एक लेटरल टाइप का ब्रांच लगा हुआ है, और ये भी 24 इंच का ही लाइन है जो इक्वल ब्रांच इसमें रहेगा, और इसमें ये कनेक्शन हो रहा है तो वो रोलिंग में रहेगा। यहाँ पे जो आपका डिग्री में ये जो लग रहा है, ये कैसे इसको रोलिंग करेंगे और कैसे इसका हम डिग्री निकालेंगे, यहाँ का कैसे इसको, इस एल्बो को हम यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करेंगे कि ये इतना डिग्री और इतना डायमेंशन में हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन दे रहा है 1255 mm नॉर्थ, 1 मीटर 51 mm ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये जो 1 मीटर 51 mm जो डायमेंशन दिया गया है, यहाँ पे हम इतना इसका रोलिंग करेंगे कि ये 1 मीटर 51 mm जो है डायमेंशन आ जाए। और यहाँ पे जो 55.8 डिग्री जो है, इस डिग्री से कौन सा रोलिंग बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला रोलिंग बन रहा है या वर्टिकल वाला रोलिंग बन रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो हम इसमें से रोलिंग निकालेंगे कि कौन सा रोलिंग से यहाँ का एल्बो का जो है डिग्री बन रहा है, और इसे हम रोलिंग कितना करेंगे कि यहाँ पे ये 1 मीटर 51 mm ये डायमेंशन आ जाना चाहिए। और ये 1637 जो दिया गया है, ये भी रोलिंग का ही है जो डाउन से अप के तरफ हो रहा है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे मटेरियल लिस्ट नंबर 2 लिखा है, और यहाँ भी 2 लिखा है, तो ये जो है 90 डिग्री का ही एल्बो है, लेकिन उसको 55.8 डिग्री में कटिंग करके आपको लगाना है। और यहाँ पे जो एल्बो है वो आपका 90 डिग्री का ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग डिग्री वगैरह नहीं दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट नंबर दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पे हम मटेरियल लिस्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक नंबर में पाइप का दिया गया है, उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे 90 डिग्री एल्बो वेल्डेड यहाँ पे लिखा गया है, और इसका कोड वगैरह है। तो ये 90 डिग्री एल्बो को 55.8 डिग्री में आपको लगाना है कटिंग करके। सबसे पहले मैं आपको एक टेम्पलेट बैंड करके इसका दिखाता हूँ कि ये किस तरीका से ये लाइन रहेगा, उसके बाद मैं आपको इसका ये डिग्री निकालने का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस तरीका से हम एक टेम्पलेट बैंड करने के लिए वायर ले लेंगे, और आप इस ड्रॉइंग में जो देख रहे हैं हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक लाइन जा रहा है, तो हम अपने सामने हमेशा नॉर्थ मानेंगे, और हमारे साइड जो रहेगा वो साउथ रहेगा, और लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में ईस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एल्बो ऐसे बेंड कर लेंगे, ये वाला एल्बो हो गया जो यहाँ पे बेंड दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि वेस्ट से ईस्ट के तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये वेस्ट से ईस्ट के तरफ ये एल्बो ऐसे कर लिए, जैसे इस ड्रॉइंग में दिखा रहा है कि वेस्ट से ईस्ट के तरफ ये लाइन जा रहा है, तो वेस्ट से ईस्ट आ गया, और ईस्ट से फिर ये लाइन नॉर्थ के तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ चला गया, हमारे सामने नॉर्थ है तो ये नॉर्थ चला गया, और नॉर्थ जाने के बाद फिर यहाँ पे एल्बो लगा करके फिर ये ईस्ट के तरफ जा रहा है लाइन। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ईस्ट के तरफ ऐसे बेंड कर लेंगे। देख सकते हैं कि ये हो गया आपका, यहाँ से ये लाइन ईस्ट आया, वेस्ट से ईस्ट, और यहाँ से नॉर्थ गया, और नॉर्थ से फिर ये ईस्ट की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से ये लाइन नॉर्थ की तरफ यहाँ से मुड़ रहा है। इस तरीका से हम इस लाइन को नॉर्थ की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे। देख सकते हैं
इस तरीका से फिर से ये लाइन नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। नॉर्थ की तरफ मुड़ने के बाद यहाँ पे जो रोलिंग दिखा रहा है, हम इसका रोलिंग का बैंडिंग करेंगे, तो यहाँ पे 55.8 डिग्री का एल्बो लगा करके और इसका जो रोलिंग दे रहा है डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रोलिंग दे रहा है। तो फ्रेंड यहाँ का जो रोलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला डायरेक्शन दे रहा है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रोलिंग। तो यहाँ पे ये जो लाइन जो है ऑलरेडी नॉर्थ की तरफ जा रहा है और यहाँ से एक एल्बो लगा करके बोल रहा है कि आपको नॉर्थ से ईस्ट में रोलिंग करना है। तो इस तरीका से एक हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ऐसे एक रोलिंग कर लेंगे। ये हो गया आपका नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रोलिंग। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन नॉर्थ में जा रहा है और ये भी लाइन नॉर्थ में जा रहा है और ईस्ट की तरफ रोलिंग हो गया। तो इस तरीका से ये ईस्ट की तरफ रोलिंग हो गया। यहाँ से ये बता रहा है कि यहाँ से अप की तरफ रोलिंग करना है। तो यहाँ से फिर अब जो है यहाँ पे अब आपका इसी ज्वाइंट में आपको रोलिंग करना है, या फिर यहाँ वाले ज्वाइंट में कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ ज्वाइंट पर रोलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एल्बो का जो ज्वाइंट आएगा यहाँ से आपको ये लाइन को ऊपर की तरफ ऐसे रोल करना है, ऐसे ऊपर की तरफ रोल कर देना है। देख सकते हैं ये रोल हो गया, ये ऊपर की तरफ ऐसे ये रोल हो गया। तो यहाँ पे आपका रोलिंग आएगा इस ज्वाइंट में। तो देख सकते हैं कि ये मैं टेम्पलेट बैंड कर दिया, टोटल इसी तरीका का ये जो है आएगा आपका इस पूरा स्पूल ये बनेगा। और इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोपिंग दिया गया है, ये पूरा लाइन जो है 1.7 डिग्री में ये लाइन स्लोप रखना है। यहाँ भी देख सकते हैं ये भी लाइन जो रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.7 डिग्री दिया गया है, इधर भी दिया गया है 1.7 डिग्री स्लोप में ये लाइन रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एल्बो पे एक एलिवेशन लिखा गया है, जहाँ भी देखेंगे यहाँ पे एल्बो पे एक EL करके और यहाँ पे डायमेंशन लिखा गया है हर जगह पे। तो क्या करेंगे कि यहाँ का एलिवेशन से यहाँ का एलिवेशन माइनस कर देंगे, जो यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है और यहाँ का डायमेंशन से हम माइनस करेंगे। जितना mm आपका बचेगा इस एल्बो से इस एल्बो तक हमको वहाँ पर डाउन रखना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये 1 छोड़ देंगे, 1 जो रहता है वो 0 एलिवेशन का रहता है। तो ये लाइन जो है 16 मीटर 719 mm पर रह रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं 16 मीटर 345 mm दिया गया है। तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो मिनिमम 400 के लमसम में ये लाइन यहाँ से और यहाँ तक का डाउन रहेगा। वैसे ही हम यहाँ का एलिवेशन से और यहाँ का एलिवेशन से हम माइनस कर लेंगे, डाउन जो कितना रहेगा आपका डायमेंशन निकल जाएगा वैसे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो रोलिंग दिया गया है इसका कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 55.8 डिग्री जो दिया गया है, हम इसका डिग्री निकालेंगे कि ये डिग्री कैसे आया एल्बो का। तो फ्रेंड हम इस तरीका से अपना एक कैलकुलेटर ले लेंगे और उसको रोटेट कर लेंगे इस तरीका से। सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो रोलिंग हो रहा है इसका डिग्री मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे इसका निकालना है। बिल्कुल आसान तरीका है इसका डिग्री निकालने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 1 मीटर 51 mm जो डायमेंशन दिया गया इसे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 1 मीटर 51 और इसे डिवाइड करेंगे 1255 से। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायमेंशन निकल गया है और इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो कर्सर होता है इधर ला देंगे इस तरफ और इसमें हम क्या करेंगे टैन इनवर्स लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो टैन जो दे रहा है ये वाला टैन और डैश और वन जो लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पे इस तरीका से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए डिग्री निकल गया आपका 39.9 यानी कि 40 डिग्री, 39.9 डिग्री में ये जो है रोलिंग रहेगा। ये वाला जो रोलिंग है 39.9 डिग्री में इसका रोलिंग आएगा। अब आपको यहाँ पे यहाँ का डिग्री निकालना है कि ये कितना डिग्री में रोलिंग हो रहा है, जो यहाँ पे ऑलरेडी 55.8 डिग्री जो लिखा गया है ये कैसे आया वो भी मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रूट बटन को दबाना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है 1255। यहाँ पे जो ये डायमेंशन दिया गया है 1255 ये डालना है और उसके बाद ये X2 दबाना है कैलकुलेटर में, उसके बाद ये प्लस का बटन दबा देना है और फिर आपको ये डायमेंशन लिखना है 1 मीटर 51 mm और फिर X2 का बटन दबा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर 105 mm जो है डायमेंशन आपका निकल गया। ये जो डायमेंशन है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये वाले लाइन का डायमेंशन आपका निकल गया है। ये जो आप देख रहे हैं डायमेंशन 1 मीटर 105 mm यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये डायमेंशन निकल गया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल में जो डायमेंशन दिया गया है 1637 को डिवाइड करना है जो आंसर अभी अभी आया था 1 मीटर 105 mm, इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे और ये कर्सर को हम इस तरफ लाएंगे और इसमें टैन इनवर्स लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री आपका निकल गया 55.9, यहाँ पे जो डिग्री दिया है 55.8 डिग्री।
तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो सेम ही चीज हो गया, एक पॉइंट का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि ये आंसर निकल गया है यहाँ पर। तो ये जो वर्टिकल में जो रोलिंग है आपका, इसी तरीका से निकाला जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल में रोलिंग है जैसे मैं पहले बताया उस तरीके से निकाला जाएगा। और यहाँ का जो एल्बो का डिग्री है आपका, ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये निकल चुका है। तो इसी तरीका से इसको डिग्री निकाल लेना है। तो एल्बो को आपको 90 डिग्री का एल्बो आएगा, उसको 55.8 डिग्री में कटिंग करके यहाँ पे लगेगा, और एल्बो को रोलिंग करना है यहाँ पर डिग्री में 39.9 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री में यहाँ पर आपको रोलिंग करना है। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला पहले भी बताया, फिर से मैं बता देता हूँ। पाइप का सरकमफेरेंस डायल लेना है CF यानी कि, और CF इंटू डिग्री, जो डिग्री में रोलिंग करना है, जैसे 40 डिग्री में आपको रोलिंग करना है, तो CF इंटू डिग्री डिवाइड 360 कर देंगे तो आपका mm में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्बो को पहले हम ऊपर की तरफ 90 डिग्री के पोजीशन पर दोनों में सेंटर लाइन मार देंगे, और उसके बाद उसको रोलिंग कर देंगे जितना mm आएगा। डिग्री को mm में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, CF इंटू डिग्री डिवाइड 360। इसके जरिए आप इसको रोलिंग कर सकते हैं। जब आप ये 40 डिग्री जब रोलिंग करेंगे तो आपका ये 1 मीटर 51 mm ये जो है यहाँ पर ये डायमेंशन बन जाएगा जो यहाँ पर रोलिंग दे रहा है। इसके ऊपर मैं दो दो वीडियो बनाया हूँ, एल्बो को रोल कैसे करते हैं या फ्लैंज को रोल कैसे करते हैं, उसके ऊपर 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं।